जैसलमेर में सोलर कंपनियों को भूमि आवंटित न करने और किसानों की प्रमुख मांगों को लेकर पूर्व विधायक सांगसिंह के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। नायब तहसीलदार को सौंपे गए ज्ञापन में नोक उप तहसील के सैकड़ों किसानों ने सोलर प्लांट के लिए जमीन देने से मना किया, साथ ही मांगे नहीं मानने पर आंदोलन की चेतावनी दी। जमीन उपजाऊ जमीन है, काश्तकारों के भूमिहीनों के हमारे फार्म भरे हुए हैं। उपजाऊ जमीन कम भी ना तो दाना जिले आने वाली पीढ़ी के साथ कुठारा घाट है। एक बीघा भी हम मर मिटेंगे लेकिन एक बीघा भी जमीन कंपनी को नहीं जाने देंगे। कार्यकाल में फार्म भरे गए थे, 10 से 15 हजार 12 हजार अलॉटमेंट हुए, उसके बाद में जनता की चुनी हुई सरकार आई, फार्म अलॉटमेंट नहीं हुए। लेकिन अब या तो कांग्रेस गवर्नमेंट का समय पड़ा है, 1.5 साल अलॉटमेंट करे, नहीं तो 1.5 साल बाद में हमारी सरकार आएगी, प्राथमिकता के आधार पे एक बीघा भी पीछे नहीं रहने देंगे, किसी को भी भूमि नहीं रहने देंगे, सबको अलॉटमेंट करके छोड़ेंगे हम लोग। 8 तारीख को जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक ये कंपनियों को भूमि देना बंद नहीं कही तो हम कचड़ी के आगे मर मिटेंगे। जमीन के लिए हमारे पूर्वजों ने सिर दिए और हम भी देने के लिए तैयार है। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि नोक और उसके आसपास से हम आपके हाथ मजबूत करेंगे और एक बीघा जमीन हमारी नहीं जाने देंगे। इसके लिए हमें चाहे कैसा भी त्याग करना पड़े और चाहे कैसा भी बलिदान करना पड़े, हमारे पूर्वजों ने ये जमीन रखी थी, उसको एक बीघा